हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हमने बनाए हैं आलू के स्वादिष्ट पराठे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिनको हम अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक आलू उबल रहे हैं, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने इसमें लिया है 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 से चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा मुलायम आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथ कर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। आलू उबलकर तैयार है, अब हम इन्हें छील लेंगे। मसाले के लिए लिए हमने 4 हरी मिर्च, 1 प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। इनको भी अच्छे से बारीक काट लेंगे। अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच। अब स्टफिंग के लिए आलू का मसाला तैयार है। अब हम पराठे के लिए लोई बनाएंगे। इसका रोटी की लोई से थोड़ा सा साइज बड़ा रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर धीरे धीरे बेल लेंगे। अब हम इसमें आलू के मसाले की स्टफिंग करेंगे। अब इसको एक कोने से धीरे धीरे मोड़कर लोई बना लेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेलेंगे। अब हम गैस पर तवा चढ़ाएंगे और इसे हल्का गर्म होने के बाद इसमें पराठा डालेंगे। पराठे को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने देंगे। अब हम इसकी साइडों में थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी डालेंगे। इसे अच्छे से फैला देंगे।
अब इसे अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। पराठा सीककर तैयार हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।